बीएससी सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स। कल इसमें अपन ने पढ़ लिया था, कुछ परिभाषाएं थी वो पढ़ ली थी, जैसे जाल, नेटवर्क कितने प्रकार का होता है ये पढ़ लिया था, सोर्स, स्रोत, वोल्टेज स्रोत और करंट सोर्स दो प्रकार के थे, सोर्स। तीसरा था रेखीय प्रतिबाधा, लीनियर इंपीडेंस, अरेखीय, नॉन लीनियर, अरेखीय प्रतिबाधा। और अपन ने पढ़ा था द्विपार्श्विक, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। इसके बाद में पढ़ा था शाखा, ब्रांच, नोड, संधि बिंदु, संधि या नोड। इसके बाद लूप, लूप और संधि। इसके बाद पढ़ा था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बाद किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के दो नियम थे। पहला था संधि का नियम, दूसरा था लूप का नियम। ये पढ़ लिया था, इसका सर्किट एनालिसिस पढ़ लिया था या नोड एनालिसिस पढ़ लिया था। इसमें था इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर होती है, ये नोड बिंदु क्या होता है ये यहाँ से देख लिया था। अब है अगला किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम या इसको बोलते हैं लूप का नियम, लूप का नियम। उसमें करंट का योग होता है, इसमें वोल्टता का योग होता है। तो इसमें लिखूं इसमें लिखूं किसी परिपथ के बंद लूप में, किसी परिपथ के बंद लूप में एक निश्चित दिशा में चलते हुए सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है किसी परिपथ के बंद लूप में एक निश्चित दिशा में चलते हुए सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या क्या याद रखना है? एक तो बंद लूप, एक निश्चित दिशा, दूसरा है वोल्टताओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग क्या होता है? चिन्ह सहित वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एक किसी परिपथ के बंद लूप में एक निश्चित दिशाओं में चलते हुए सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसमें डायग्राम बना लो या समझने के लिए, या आपका बैटरी, ये हो गया ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये जेड, ये जेड टू, यहाँ आ गया ये जेड वन और ये जेड टू।
मान लो आई करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में चलेंगे, कोई सी भी दिशा ले लो, ये दिशा ले लो, यानी करंट यूं जा रहा है इसमें, ये दिशा ले लो, करंट है अपना आई। वोल्टा, यहाँ पर वोल्टा होती है वी बराबर आई आर, तो यहाँ पर वोल्टा कितनी है ई, यहाँ पर वोल्टा ओम के नियम से वोल्टा हो गई आई जेड वन, यहाँ पर वोल्टा आई जेड वन होगी, वी इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पर वोल्टा कितनी होगी आई जेड टू, इन वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ से ले लो जेड वन से, तो यहाँ वोल्टता कितनी होगी आई जेड वन प्लस जेड टू पे आई जेड टू, एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ देखो एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं, तो ये चिन्ह कौन सा आ गया अब यहाँ माइनस, तो ये माइनस का ई जीरो, ये आ गया, वोल्टताओं का बीजगणित योग शून्य हो गया, चिन्ह सही थे। यूँ चले या चिन्ह दे लो, इधर जा रहे हैं, पहले चिन्ह आया प्लस का, तो प्लस आई जेड वन, आगे चले यहाँ पर प्लस वोल्टता आई जेड टू, आगे चले एक निश्चित दिशा कि माइनस ई वन, ठीक है, तो ये आ गया आई जेड वन आई जेड टू माइनस ई इज इक्वल टू जीरो। इसमें आगे लिखो, किरचॉफ का दूसरा नियम या लूप का नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम या लूप का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य होता है। अब ऊर्जा संरक्षण नियम कैसे, वो यहाँ देखो, मतलब जो सोर्स है उसके पास जितनी एनर्जी है, इस सोर्स के पास जितनी एनर्जी है वो एनर्जी इस इम्पीडेंस में और इस इम्पीडेंस में खर्च होगी, यानी इसके पास जितनी वोल्टेज है वो जेड वन और जेड टू दोनों के पास आएगी, ऊर्जा का न तो ह्रास होगा और न ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। तो ये देखो, यहाँ से कर लो, यहाँ से इस इक्वेशन से आएगा आपका ई बराबर आई जेड वन प्लस आई जेड टू, इन दोनों पे जितनी ऊर्जा है वो ऊर्जा इसके बराबर है, ये आ गया। तो ये दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य होता है। अब इसका लूप एनालिसिस देखेंगे, लूप एनालिसिस, लूप विश्लेषण, लूप एनालिसिस या लूप विश्लेषण। इसमें डायग्राम बना लो,
ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, जेड फोर, जेड फाइव। ये आपका लूप फर्स्ट है, ये वाला, ये लूप सेकंड है, बंद लूप है वो, और ये लूप थर्ड है। इस लूप में मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, करंट है आई वन। इस वाले लूप में आई टू करंट है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इस वाले में आई थ्री करंट है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। यहाँ तक बनाओ, बना लो यहाँ तक। लूप वन में देखो, लूप वन में यहाँ पर वोल्टेज है ई, यहाँ पर वोल्टेज करंट है आई वन, और इम्पिडेंस है जेड वन। तो वोल्टेज हो गया आई वन जेड वन, आई वन जेड वन। दूसरा है जेड थ्री, जेड थ्री आ रहा है, जेड थ्री में करंट आ रही है इस डायरेक्शन में, जेड थ्री में आई वन करंट तो आ रही है इस डायरेक्शन में, आई वन करंट, और आई टू करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, आई टू करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो ये हो जाएगा आई वन जेड थ्री, लेकिन आई टू करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो ये हो गया माइनस आई टू जेड थ्री। इसके बाद आपका यहाँ पर वोल्टेज है माइनस ई इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया। जहाँ पर आई वन का मान आ गया आई वन जेड वन प्लस जेड थ्री माइनस आई टू जेड थ्री इज इक्वल टू ई, ये आ गया आपकी समीकरण एक, समीकरण एक या ए। ये लूप वन में हो गया। इसी प्रकार लूप टू, लूप टू में देखो, लूप टू में करंट की डायरेक्शन यू है, तो इसमें आई टू करंट इधर जा रही है, इसमें आई टू करंट नीचे की ओर जा रही है, लेकिन इसमें आई थ्री करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। आई थ्री भी तो जा रही है जेड फोर में, जेड फोर में एक तो आ रही है आई टू करंट और एक आई थ्री करंट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जेड थ्री में देख लो आई टू करंट भी आ रही है और आई वन करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। वोल्टेज सोर्स इसमें लगा हुआ नहीं है, तो ये हो गया आई टू जेड टू। इसके बाद आई टू जेड फोर, लेकिन जेड फोर में एक करंट और आ रही है आई थ्री जेड फोर, उसके बाद प्लस आई टू जेड थ्री, और जेड थ्री में एक करंट और आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में आई वन जेड थ्री इज इक्वल टू जीरो, सोर्स लगा हुआ नहीं है, ये हो गया। इसके बाद आई टू को कॉमन ले लो, आई टू को कॉमन लिया तो जेड टू जेड फोर, जेड टू जेड थ्री जेड फोर, जेड थ्री जेड फोर, आई टू को कॉमन ले लिया। इसमें ये भी आ रहा है माइनस आई वन जेड थ्री, ये वाला आई वन का मान भी आ रहा है, आई टू का मान भी आ रहा है, और आई थ्री माइनस आई थ्री जेड फोर इज इक्वल टू जीरो। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन बी लूप तीन से, लूप तीन में, लूप तीन में देखो,
जेड फाइव में आई थ्री करंट जा रही है। इसके बाद ये घूमता हुआ जेड फोर में आई थ्री करंट जा रही है, लेकिन आई टू करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। इसकी डायरेक्शन तो ये है आई थ्री की डायरेक्शन, लेकिन आई टू अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ से देखो आई थ्री जेड फाइव प्लस आई थ्री जेड फोर आई थ्री हो गया। इसके बाद जेड फोर में माइनस आई टू जेड फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आई थ्री कॉमन ले लो, यहाँ से एक तो आ गया माइनस आई टू जेड फोर प्लस आई थ्री कॉमन ले लो, आई थ्री कॉमन लेंगे तो जेड फोर प्लस जेड फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। एक इक्वेशन ये आ गई, तीन इक्वेशन आ गई ए बी सी। यहाँ तक नोट करो। अब यहां लिख लो प्रतिबाधा का मैट्रिक्स रूप, प्रतिबाधा का मैट्रिक्स रूप। मैट्रिक्स में लिख लो, मैट्रिक्स में आ जाएगा ये जेड वन प्लस जेड थ्री आई इधर माइनस जेड थ्री और आई थ्री का मान जीरो है। यहाँ आई वन का मान माइनस जेड थ्री, आई टू का मान जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर और आई थ्री का मान माइनस जेड फोर। यहाँ आई वन का मान है नहीं, आई टू का मान माइनस जेड फोर और जेड फोर प्लस जेड फाइव, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। इसकी तुलना इससे कर लो, जेड वन 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 टू जेड वन थ्री जेड टू वन जेड टू टू जेड टू थ्री जेड थ्री वन जेड थ्री टू जेड थ्री थ्री, या यही लिख लेता हूँ मैं जेड टू वन जेड टू टू जेड टू थ्री जेड थ्री वन जेड थ्री टू जेड थ्री थ्री। इससे तुलना कर लेंगे, यहाँ तक लिखो मैट्रिक्स फॉर्म को बताते हैं। जेड मैट्रिक्स से या तो इसको बता दो जेड मैट्रिक्स से या डेल्टा जेड से। यहाँ देखो जेड वन वन जेड टू टू जेड थ्री थ्री
इसके बाद जेड वन टू बराबर जेड टू वन, जेड वन थ्री बराबर जेड थ्री वन और जेड टू थ्री बराबर जेड थ्री टू। जेड वन वन का मान आ रहा है, जेड वन वन का मान आ रहा है जेड वन और प्लस जेड थ्री। जेड टू टू का मान आ रहा है जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर। जेड थ्री थ्री का मान आ रहा है जेड फोर प्लस जेड थ्री, सॉरी जेड फोर प्लस जेड फाइव। यहाँ तक करो। जेड वन टू का मान और माइनस जेड थ्री, जेड वन थ्री जीरो, जेड टू थ्री यह आ गया माइनस जेड फोर, ये आ गया। इसको उतारो। ये तो आ गई प्रथम लूप की प्रतिबाधा, जो आपका लूप फर्स्ट है, लूप फर्स्ट की प्रतिबाधा जेड वन वन। जेड टू टू लूप टू की प्रतिबाधा, जो आपका सर्किट डायग्राम था उसमें लूप टू था, उस ये लूप थ्री की प्रतिबाधा, ये लूप वन व लूप टू की उभयनिष्ठ प्रतिबाधा, उभयनिष्ठ प्रतिबाधा यानी जो कॉमन इम्पीडेंस है वो, ये जेड वन थ्री और जेड थ्री वन, लूप वन व लूप थ्री की उभयनिष्ठ प्रतिबाधा, उभयनिष्ठ प्रतिबाधा प्रतिबाधा ये आ रहा है आपका जेड टू थ्री और जेड थ्री टू, लूप टू व लूप थ्री की उभयनिष्ठ प्रतिबाधा की उभयनिष्ठ प्रतिबाधा ये आ गया। यहां तक नोट करो। जो आपकी इक्वेशन आई थी ए बी सी, उन तीनों इक्वेशन का मैट्रिक्स रूप लिखो। जो तीन इक्वेशन आई थी ए बी सी उनका मैट्रिक्स रूप, तीन इक्वेशन ए बी सी का मैट्रिक्स रूप, इक्वेशन
एबीसी का मैट्रिक्स रूप, मैट्रिक्स रूप था सबसे पहले तो था ई जीरो जीरो, उसके बाद था आपका जेड मैट्रिक्स और यहाँ आई वन आई टू और आई थ्री। यहाँ था जेड वन प्लस जेड थ्री, यहाँ माइनस जेड थ्री माइनस जेड थ्री और यहाँ था जीरो। यहाँ था माइनस जेड थ्री, जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर माइनस जेड फोर, यहाँ था जीरो माइनस जेड फोर और जेड फोर जेड फाइव, ये वाला था। ये जो समीकरण ए बी सी थी उन तीनों का मैट्रिक्स रूप। अब धारा का मान निकालेंगे, करंट लूप फर्स्ट में आई वन फ्लो हो रहा था, लूप सेकंड में आई टू फ्लो हो रहा था और लूप तीसरे में या लूप थर्ड में आई थ्री करंट फ्लो हो रहा था, उनका मान निकालेंगे। तो यहाँ लिख लो धारा आई वन आई टू आई थ्री का मान निकालने के लिए, धारा I1, I2 व I3 के मान के लिए, I3 के मान के लिए, I1, I2, I3 के मान के लिए इसमें लिखो Z मैट्रिक्स के I1 का निकालेंगे, Z मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को E मैट्रिक्स से, E मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर डेल वन मैट्रिक्स प्राप्त होगा। यानी जो ये तो हो गई आपकी ई मैट्रिक्स, ये होगी जेड मैट्रिक्स और ये होगी आई मैट्रिक्स। जेड मैट्रिक्स का जो प्रथम स्तंभ है ये वाला, इसको ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर देंगे तो डेल वन मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। डेल वन मैट्रिक्स ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ई जीरो जीरो माइनस जेड थ्री, जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर और माइनस जेड फोर, यहाँ जीरो माइनस जेड फोर और जेड फोर प्लस जेड फाइव, ये डेल वन मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तब करंट, अतः धारा आई वन, अतः धारा आई वन हो जाएगी डेल वन और डेल जेड मैट्रिक्स, अतः धारा आई वन। जी ये जेड मैट्रिक्स है आपकी, ये वाली जेड मैट्रिक्स है, दूसरा लिखो जेड मैट्रिक्स के दूसरा लिखो जेड मैट्रिक्स के दूसरे
स्तंभ को ई मैट्रिक्स से ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर डेल टू मैट्रिक्स प्राप्त होगी। डेल टू मैट्रिक्स प्राप्त होगी तो डेल टू मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी? डेल टू मैट्रिक्स हो जाएगी जो ये वाला है आपका दूसरा स्तंभ, उसको ई मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दो, चेंज कर दो। तो ये जेड वन प्लस जेड थ्री माइनस जेड थ्री, ये जीरो यहाँ पर ई मैट्रिक्स, और ये जीरो माइनस जेड फोर, जेड फोर प्लस जेड फाइव, ये हो गया। अतः धारा I2 का मान कितना हो जाएगा? I2 का मान हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल जेड, ये हो गई धारा I1। नोट करो, I1 और I2 का मान आ गया। अब निकालेंगे I3 का मान। I3 के लिए क्या करेंगे? I3 के लिए जो जेड मैट्रिक्स है उसका तीसरा स्तंभ है, उसको ई मैट्रिक्स से चेंज कर देंगे। जेड लिखो इसमें, जेड मैट्रिक्स के तीसरे स्तंभ को, जेड मैट्रिक्स के तीसरे स्तंभ को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर डेल थ्री मैट्रिक्स प्राप्त होगी, मैट्रिक्स प्राप्त होगी। डेल थ्री मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जेड वन प्लस जेड थ्री माइनस जेड थ्री, जीरो माइनस जेड थ्री, जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर माइनस जेड फोर, और ये ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर दो तीसरा, ये हो गई डेल थ्री मैट्रिक्स। अतः धारा I3 क्या हो जाएगी? डेल थ्री अपॉन डेल जेड। डेल थ्री मैट्रिक्स को सॉल्व कर लो, जेड मैट्रिक्स को सॉल्व कर लो, और डेल थ्री मैट्रिक्स में जेड मैट्रिक्स का भाग दे दो, ये हो गया। नोट करो इसको, नोट करो। जो अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना।
प्राचाल, चतुर, टर्मिनल, जाल के प्राचाल, पैरामीटर ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क, इम्पोर्टेंट है। इसमें भी तीन टॉपिक हैं। पहला दूसरा तीसरा, यह है जेड प्राचाल, दूसरा है वाई प्राचाल, तीसरा है एच प्राचाल। इसको बोलते हैं खुला परिपथ, प्रतिबाधा प्राचाल, ये हो गया लघुपथित, प्रवेशता प्राचाल, ये हो गया संकर प्राचाल या हाइब्रिड पैरामीटर, ये हो गया शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस, पैरामीटर ये हो गया ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, जेड प्राचाल, नोट करो। जो आपका फोर टर्मिनल था ये वाला, इनके व्यवहार को मापना। ये जो चार टर्मिनल, इनके व्यवहार को मापना या व्यवहार को जिस वस्तु या जिन की सहायता से मापा जाता है उनको पैरामीटर कहते हैं। इनके व्यवहार को प्राचाल की सहायता से मापा जाता है, प्राचाल की सहायता से मापा जाता है पैरामीटर प्राचाल, या इनका जो व्यवहार है उसको एच पैरामीटर से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें पहला लिखो जेड प्राचाल, पहला है
जेड प्राचार। जेड पैरामीटर, जेड प्राचार। या ओपन सर्किट इंपीडेंस, इंपीडेंस पैरामीटर। खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचार। इसमें पहले परिभाषा लिख लो, लिखो चतुर टर्मिनल जाल के चतुर टर्मिनल जाल में फोर टर्मिनल जाल में वोल्टता V1 V2 है तथा धारा I1 I2 है। चतुर टर्मिनल जाल में वोल्टता V1 V2 है तथा धारा I1 I2 है। यदि धारा I1 I2 स्वतंत्र चर है तो यदि धारा I1 I2 को स्वतंत्र चर मान ले तब चतुर टर्मिनल के लिए व्यापक समीकरण, तब फोर टर्मिनल के लिए व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होगा? ये V1 और V2 के फॉर्म में होगा। V1 किसका फंक्शन है? करंट I1 I2 का, और यहाँ भी I1 I2 का। ये हो गया। यदि धारा तथा वोल्टेज के मान में परिवर्तन हो या कम ज़्यादा हो, धारा तथा वोल्टता के मान में परिवर्तन होने पर धारा तथा वोल्टता के मान में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? जो आपका V1 और V2 है इनका आंशिक अवकलन हो जाएगा। V1 और V2 का आंशिक अवकलन हो जाएगा। आंशिक अवकलन करो, dV1 = dV1 del I1 dI1। ये हो गया इसका, प्लस दूसरे का हो जाएगा dV1 del I2 dI2। इसका आंशिक अवकलन हो गया V1 का, दूसरे क्वेश्चन V2 है, इसका आंशिक अवकलन करो तो इसका हो जाएगा dV2 del V2 del I1 प्लस dV2 del I2। ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ dV2 का मान हो जाएगा dV2 del I1 dI1
प्लस डेल वी टू डेल आई टू डी आई टू, ये डी वी टू हो गया और ये डी वी वन हो गया। यहाँ तक नोट करो। इसमें लिखूं, इसको मिटा देता हूं, इसमें लिखूं वोल्टता तथा धारा के परिवर्तनों को, वोल्टता तथा धारा के परिवर्तनों को V और I से लिखने पर, वोल्टता तथा धारा के परिवर्तनों को V और I से लिखने पर, वोल्टता वोल्टता तथा धारा के परिवर्तनों को V तथा I से लिखने पर, V तथा I से लिखने पर, लिखने पर वोल्टता तथा धारा के परिवर्तनों को V तथा I से लिखने पर, V से लिखो तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू, इसको मान लो जेड आई वन, आई वन दूसरा हो गया जेड आर, इसको जेड आर आर मान लिया, ये जेड आई हो गया, ये हो गया जेड आई, इसको जेड आर मान लिया, इस वाले को जेड एफ मान लिया, इस वाले को जेड ओ मान लिया। अभी देखते हैं ये जेड आई ओ एफ आर क्या है। आई टू ये हो गया वी टू जेड एफ आई वन प्लस जेड ओ आई टू, ये वाले इक्वेशन आ गई। यहाँ तक नोट करो। लिखो लिखो इसके बाद जहाँ जेड आई जेड आई जेड आर जेड एफ तथा जेड ओ चतुर टर्मिनल जाल के, चतुर टर्मिनल जाल के जेड प्राचाल हैं, जेड प्राचाल हैं, जेड प्राचाल हैं। अब देखो जेड वन जेड टू ये होते क्या हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ उनको। एक है आपका सबसे पहले जेड आई जेड आर जेड एफ और जेड ओ। जेड आई है आपका डेल वी आई अपॉन डेल आई वन, दूसरा है डेल वी वन अपॉन डेल आई टू, तीसरा है आपका डेल वी टू अपॉन डेल आई वन, तीसरा है डेल वी टू अपॉन डेल आई टू। ये हो गया इसको यूं लिख लो वी वन आई वन वी वन आई टू वी टू आई वन वी टू आई टू।
ये हो गया खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा। आई आई यानी इनपुट, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट। इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट। दूसरा है आपका जेड आर, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। खुले परिपथ की, खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। यह जेड एफ खुले परिपथ की फॉरवर्ड, अग्र खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा, अग्र अंतरित अंतरित प्रतिबाधा। चौथा है आपका खुले परिपथ की निर्गत प्रतिबाधा, खुले परिपथ की निर्गत या निर्गम प्रतिबाधा। यानी आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। दूसरा है फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, ऑफ ओपन सर्किट। तीसरा है आपका रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट। आई का मतलब इनपुट, आर का मतलब रिवर्स, एफ का मतलब फॉरवर्ड, ओ का मतलब आउटपुट। ये हो गया आपका जेड पैरामीटर कंप्लीट।
इसमें क्या किया देखो एक बार, जैसे यह आपका फोर टर्मिनल है, इसके टर्मिनल 1, 2, 3, 4 फोर टर्मिनल है, ठीक है। इसमें से यहाँ V1 वोल्टेज, V1 वोल्टेज, यहाँ V2 वोल्टेज, यहाँ V2 वोल्टेज, यहाँ करंट I1 करंट, यहाँ करंट I1 करंट, यहाँ करंट I2, यहाँ करंट I2, सही। इसमें माना है करंट को स्वतंत्र चर, इसमें करंट I1 I2 को स्वतंत्र चर माना है। I1 और I2 को स्वतंत्र चर माना है। स्वतंत्र चर मान के V1 V2 की इक्वेशन निकली, V1 और V2 की इक्वेशन निकली। V1 किसका फंक्शन है? I1 I2 का, और V2 किसका है? I1 I2 का। फिर दोनों का आंशिक अवकलन कर दिया। आंशिक अवकलन करने के बाद जो परिवर्तन है उनको I1 परिवर्तनों को I तथा V से डिनोट कर दिया। उसके बाद आपका ये आ गया, ये वाला आ गया, नोट करो। इसके बाद आता है आपका वाई पैरामीटर। लघुपतित, प्रवेश्यता, प्राचाल, जिसको कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नोट कर लो इसको।